भिवानी की नई अनाज मंडी में गेहूं की आवक कल से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि गत दिवस भिवानी के एक ही नंदगांव में फसल की खरीद हुई थी। आज 10 गेट पास मंडी प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। गेट पास उन्हीं को दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी फसल ऑनलाइन रजिस्टर करवाई हुई है। मंडी में पहुंचे एक किसान ने बताया कि साइट नहीं चलने के कारण मेरी फसल ऑनलाइन नहीं हो पाई है, जिस कारण से मेरी फसल नहीं बिक रही, जिससे उसे काफी दिक्कत आ रही है। किसान ने कहा कि सरकार को अब बिना ऑनलाइन हुए साइट चलाकर हमारी फसल लेनी चाहिए। वहीं मंडी में काम कर रहे मजदूर महिला व पुरुषों ने बताया कि मंडी में कोरोना के चलते कम से कम लोगों को बुलाया जा रहा है। कई किसानों की फसल ऑनलाइन नहीं है, हमारे को बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा है, यह खाली बैठे हुए हैं। वहीं मंडी व्यापारी का कहना है कि मंडी में फसल ऑनलाइन ना होने के कारण किसान की फसल नहीं ली जा रही है, इससे किसान परेशान है, सरकार को इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि हमारी तरफ से किसानों के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं। जिस किसानों ने ऑनलाइन फसल की हुई है उन 10 किसानों को गेट पास देकर फसल ली जा रही है। जिनकी फसल ऑनलाइन नहीं है उनकी फसल हम नहीं ले सकते हैं, सरकार के जैसे कोई आदेश होते हैं उनका पालन किया जाएगा। हवा सिंह, कहाँ से आए? मंडाना गांव। क्या समस्या लेके आए आप? समस्या है जी, गेहूँ ऑनलाइन करवाना चाहूँ फिर गेहूँ की साइट नहीं खुल रही है। अगर खोल दे सरकार गेहूँ की साइट है, साइट ने खोल दे तो गेहूँ ऑनलाइन करवा दें, बिक्री कर दें, नहीं तो हमारा गेहूँ जो है वो सरकारी खरीद में नहीं जाएगा और हम वंचित रह जाएंगे। कब से नहीं होगी साइट, कब से नहीं करते? ये 20 से समझो साइट बंद होगी। कितनी समस्याएं आ रही है आप लोगों को? समस्या तो काफ़ी लोगों को आ रही है जी, मैं तो यहाँ आ पहुँचा इसलिए मैं अकेला हूँ, नहीं तो बहुत लोगों ने नहीं करवाया है ऑनलाइन। ऑनलाइन के बिना सरकार खरीद नहीं पाएगी और सरकार नहीं खरीदेगी तो जमींदार को काफ़ी लॉस हो जाएगा। मेहरबानी करके सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये साइट खोल दी जाए गेहूँ की और सरकार जमींदार अपना ऑनलाइन करवा लें ताकि जमींदारों को फ़ायदा हो जाए। गेहूँ की स्थिति यह बनी हुई है, गेहूँ की 20% ऑनलाइन है, 80% बिना ऑनलाइन है। अब जो जमींदार बिना जिसकी रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ जाए? अब वो मंडियों में हमारे पास ही आता है, हमारे उनके खाते हैं, हमारे से उनका लेन देन है। तो अब क्या स्थिति बनेगी आप लोग क्या? अब मंडी की मीटिंग बुलाएंगे, जो और मंडियाँ फैसला लेंगी वो फैसला हम लेंगे। पूरे हरियाणा भर में जो स्थिति बनी हुई है वहाँ तो खरीद नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही, कहीं तो एक दो मंडी को छोड़ के कहीं खरीद नहीं हो रही। भिवानी दादरी और डिस्ट्रिक्ट में कोई खरीद नहीं है, रोहतक में नहीं है। क्या मांग करते हो आप लोग? क्या मांगिए? एक तो ये लाइन तोड़ो इसको, जैसे पिछले साल गेहूँ लिया था वैसे सरकार गेहूँ ले ले। हम बहुत परेशानी में हैं, लेबर हमारे पास है नहीं, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने तो, मैं तो 70 साल का हो गया, मैंने ज़िंदगी में ऐसा काम कभी देखा नहीं। अगर आपकी बात नहीं मान जाती सरकार, नहीं मानती, मैं मानना कि सरकार मालिक है, फिर जो हमारे फायदे में होगा जीतेंगे, जो सरकार करेगी सरकार करेगी, हमारे के बस की बात है। लेकिन हमारी आंखों में आंसू आए हुए हैं, आज के दिन हम बड़ी परेशानी में हैं। कृषि मंत्री से भी मुलाकात आपकी हुई 2 दिन पहले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? वो कह के चले गए कर देंगे। हुआ कुछ नहीं? हुआ कुछ नहीं, जो होगा तो हम बता देंगे आप। बल्ला कहाँ से कहाँ रहे हो? बावड़ी गेट चंद्रगिरी स्कूल। यहाँ क्या काम करने जाते हो? जार का काम करा हाँ जी। अब कितने दिन हो गए काम कर रहे? कई साल हो गया काम कर दान तो रहा है। अब कितने दिन हो गए यहाँ पे? ये तो यह खुली सजीवती है वहाँ से काम चल रहा है। काम तो को नहीं आवा है, हाथ पा इधर इधर रहा हूँ बैठे रहा सब दिन ताई मजदूर है कि मजदूर नहीं मिलती नहीं चाहिए। जहाँ जमींदार है और गैर के जानदार हैं, मजदूर है तो मजदूरी को नहीं क्यों नहीं बन पा रही है? क्या कारण है? यह कारण तो यह और लेंती हो रहा ही, जमींदार लिया है धार लग गए तो 2 पैसा मारा भी मने है, धारे नहीं लग गएगी तो हमने क्या मिलेगा है? मजदूरी में क्या है? अड़ंगा मट्टी मिले तो उसमें हमारा फायदे से हैं, याने आना टापर के खांगा नहीं, सब छोड़ छोड़ के घर छोड़ छोड़ के आऊँ जी हैं, बस जी ये धन्यवाद। क्या काम करते हो? हार्ड वर्क का काम है। अनिल जी क्या कहोगे जिसका स्थिति अब क्या है? है जी क्या स्थिति है मंडी में? स्थिति बुरी है, कोई गेहूँ वहीं खरीद नहीं हो रही और न सरसों की विशेष खरीद हो रही। और रही बात आदत की, जमींदार दुखी है, इस गवर्नमेंट के झूठे वादे हैं
बीज मंडी में कुछ भी खरीद नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है, कैसे कारण क्या है? कारण क्या, ये ऑनलाइन करा रखी किसी का 5 दिन में नंबर, 5 जमींदार का नंबर आओ है 1 दिन में। कोई कहता है कागज पूरे नहीं है, कोई कहे गेहूँ आगे ऑनलाइन करवाओ, अभी इतने गेहूँ जमींदार का ऑनलाइन कैसे करवाए? तो ये पार पड़ने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट से भारा निवेदन है कि ये बिना ऑनलाइन गेहूँ खरीदा जाए, सारी फसल जो जमींदारों की है ये बिना ऑनलाइन खरीदी जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे फिर क्या स्थिति होगी? सरकार नहीं मानती तो जमींदार आंदोलन करेंगे, आरती उनके साथ होंगे, और मजदूर जितने भी मजदूर हैं ये मजदूर भूखे मर के कागार पर आगे, मजदूरों का काम नहीं, तो संघर्ष करेंगे। हमारा निवेदन ये है कि जो जमींदार का अनाज है वो एक एक दाना गवर्नमेंट खरीदे, और नहीं खरीदेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे। कृषि मंत्री 2 दिन पहले भी वाणी है, तो मांग रखी थी आपने? मांग रखी थी कृषि मंत्री जी ने, तो ये कहा कि भाई जो शक्ति है यहाँ की धनखड़ जी, उनसे कहा कि भाई इनको कोऑपरेट करो, जो ये जमींदार का इनका एक एक दाना खरीदो और आप इनको कोऑपरेट करो, आरतियों करो, इनको कोई ऑनलाइन नहीं गेहूँ की गेहूँ लाओ और मंडी में अनाज गिरो। लेकिन आज ये कहते हैं कि भाई ये खरीदेंगे, लोडिंग नहीं हो रही, जो गेहूँ लिखने वाले आते हैं अफसर वो लिख नहीं रहे, वो कहते हैं जो ऑनलाइन है वही गेहूँ बिकेगा। तो इसमें किसानों में भी रोष और आरतियों में भी रोष और मजदूरों में भी रोष। यदि ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है तो और कोई रास्ता नहीं, संघर्ष का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। अनिल प्रधान भिवानी के संदर्भ में, सरसों सेंटर जो खरीद केंद्र है 8 है, 8ों में जारी है। गेहूं की कल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। भिवानी मार्केट कमेटी के अंतर्गत एक नंदगांव परचेस सेंटर है, वहाँ पे गेहूं की खरीद की गई है, और दूसरी जगह किसी भी आड़ द्वारा खरीद नहीं की गई। सर जिस प्रकार से आड़ती अड़े हुए हैं उनका कहना है, इसको लेकर के सरकार ने कुछ निर्णय लिया है? सर देखिए, हमारे पास अभी तक यही निर्देश है कि जिस किसान भाई ने पंजीकरण किया हुआ है उसी किसान भाई को हम गेट पास जारी करें। सर ऐसे में क्या मानते हैं आप, स्थिति जो है खराब नहीं, पूरे हरियाणा में यही स्थिति बनी हुई है? इसके बारे में देखो, सरकार को निर्णय लेना है, जो भी हमारे पास दिशा निर्देश आएंगे हम उसी तरह से काम करेंगे। वैसे सर अब तक कितनी खरीद गुजारी की थी, कोई प्रकार से आंकड़ा बोल देंगे अब तक बहुत कौन सा? देखिए 20 तारीख के लिए हमने केवल 10-10 गेट पास 10-10 किसान बुलाए थे, लेकिन वो केवल एक गांव नंदगांव में ही खरीद हुई है, अदरवाइज वो कहीं हुई नहीं। और आज हमने जिन किसानों को बुलाए हैं सबके गेट पास जारी कर दिए हैं, और आज जो भी यहाँ एक मीटिंग भी चल रही है कि क्या निर्णय लेते हैं, और उसके हिसाब से हम गेट पास हमने जारी कर दिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.